दोस्तों, मैं शोभित कुमार चौधरी आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल अकाउंट हवेली पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आपका लास्ट पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कंपनी लो में कोस्ट में आपको जो एजम्पशंस बताई थी, जो हमने प्री एजम्पशन गैस किया था अपना, वहीं से क्वेश्चन आए थे। और पी ओ बी एम में भी जो आपको बताए थे वहीं से क्वेश्चन आए थे। इवन मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर कंपनी लो में 80% था तो 90% तक हमारा एजम्पशन सटीक बैठा था। कुछ बच्चे तो कह रहे थे पूरा आपका बताया हुआ आया था, लेकिन हम फिर भी ले लेते हैं कि 90% तक हमारा बताया हुआ वहाँ से क्वेश्चन आ गए थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो या कोई भी वीडियो आपके लिए हो या CCS की कोई इन्फॉर्मेशन हो आपको मिल जाए। आज की वीडियो बनाना बहुत इम्पॉसिबल सा था क्योंकि आज की वीडियो में आपको नॉइस भी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि सिचुएशन में हूँ नहीं वीडियो बना पाऊँ, कहीं बाहर हूँ, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनमें फंसा हुआ हूँ। लेकिन बच्चे रेगुलर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रेगुलर डिमांड कर रहे थे, कि ये वीडियो डाल दीजिए सर, वीडियो डाल दीजिए। तो बच्चों की डिमांड पर मैं ये वीडियो आप तक लेकर आया हूँ कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो पब्लिक फाइनेंस में आ सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस में आपका ये क्वेश्चन है बेटा, फेडरल फाइनेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ढंग से पढ़ के जाएँ। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको ये सारे ही पढ़ लेने चाहिए। इनमें से मैं बीच बीच में हालांकि इम्पोर्टेंट टिक कर देता हूँ, लेकिन इट्स डजेंट मीन कि वही क्वेश्चन आएगा। पूरी PDF पढ़िए, प्रयास करिए पूरी PDF आप ढंग से पढ़ लें। जिसको इम्पोर्टेंट बताऊँ उसको तो आप 100% कर लें तो आपके पेपर जाने के जो चांसेज हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस भी चक्कर में ना रहा करें कि जिसको इम्पोर्टेंट बोलूं केवल उसी को पढ़ें। 200-300 पेज की बुक में से 15-20 पेज आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, आप उनमें से भी इम्पोर्टेंट चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ढंग से आपको पढ़ने की ज़रूरत है मेरे बच्चों, और बहुत ढंग से करें और पेपर अपना अच्छे से करके आएँ, अच्छे से जाएगा। जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उन क्वेश्चन को आप कर लें और बहुत अच्छे से अपना पेपर करके आएँ। हम उम्मीद करेंगे और प्रे भी करेंगे गॉड से कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो जो बच्चे भगवान भरोसे हैं उनके लिए हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन भगवान भरोसे वाले बालकों का पेपर अच्छा ही चला जाए। सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन जिस पर टिक लगा रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको तो आप बहुत ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। हालाँकि इम्पोर्टेंट सारे हैं यहाँ पर। ये इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट डेब्ट। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ के जाएं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स या स्टेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, एक अच्छे टैक्स सिस्टम की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। प्रोपोर्शनल टैक्स किसको कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम किसको कहते हैं, टैक्स में ही बता दिया था, ज़्यादा कमाई ज़्यादा टैक्स, कम कमाई कम टैक्स, तो उसी को बोलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मेरे बच्चों बहुत ढंग से पढ़ लें आप। वैट क्या होता है, वैट हालांकि डिलीट हो गया है, जनरली वैट का कॉन्सेप्ट अब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ वैट होते हैं उसको भी आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ने का। हालांकि वैट हट गया है, वैट की जगह गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, GST एप्लीकेबल हो गया, लेकिन आपके लिए दे रखा है। करंट सिनेरियो के हिसाब से ब्लैक मनी क्या है या रेमेडीज़ क्या हैं ब्लैक मनी को स्टॉप करने की, ये भी क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, इसको भी बहुत ढंग से पढ़ें। तो ये जो क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे 100 टाइप क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से कर लें। 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है मेरे बच्चों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ढंग से पढ़ लें, ठीक है। ये जो पेपर है इस पेपर में वेराइटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। रोल क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में पब्लिक फाइनेंस का, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा ऐसा, फाइनेंस बिजनेस में ऐसा होता है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी स्टेट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, जब तक पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से अपनी पॉलिसीज़ बना पाएंगी। बिना पॉलिसीज़ के तो कोई भी, बिना पैसे के तो कोई भी पॉलिसी नहीं बन पाएंगी। तो बातें भी बना के लिख सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, तो बात भी बना कर लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो वो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंस के बारे में जितना जानते हो रिलेटिव सारा का सारा आप लिख देना तो भी आपका काम चल जाएगा और इजीली पास हो जाओगे और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। एक ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और व्हाट डू यू मीन बाय एंटी इन्फ्लेटरी पॉलिसीज़, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लेंगे।
थोड़ी बहुत देर में टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस की भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर देना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इट्स बेटर पब्लिक फाइनेंस का पेपर आप दे दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर किया करें, देखा करें। कुछ बच्चे बिना बात की कुछ लोग कमेंट करा देते हैं कि पढ़ाया हुआ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है, तो कम से कम आप लोगों का सपोर्ट ये तो चाहिए कि उन लोगों को रिप्लाई करें कि जो पढ़ाते हैं वो वहाँ से आ रहा है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देते हैं मेरा नंबर निकाल के, या मेरा नंबर आप तक है तो पर्सनली मैसेज ना करके वीडियो के नीचे भी कमेंट किया करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो के नीचे कमेंट करें क्योंकि वहाँ से मैं आपके साथ कमेंट्स जल्दी पढ़ूंगा और जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर सपोर्ट बच्चों।